परम शांति। सबसे पहले तो हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये क्रिएशन कैसा हुआ, ये धरती कैसे बनी, ये यूनिवर्स कैसे बना, और ये हमारी आत्मा बनाने वाला कौन है, यूनिवर्स बनाने वाला कौन है, और हम एंजल से, हम देवता में से मनुष्य कैसे बने, ये धरती पे इतना समय कैसे बीत गया और फिर भी हम अभी भी मनुष्य है, तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी कब हमें मिलेगी, हमें ऐसे कौन से कर्म करना चाहिए, थियोरी ऑफ कर्म क्या है, जीवन और मृत्यु से ऊपर हम कैसे जा सकते हैं और इस विश्व को कैसे बदल सकते हैं, तो ये आध्यात्म का ज्ञान है जो इस भौतिक जगत से नहीं पर वो एक आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ है। तो इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता वो सत्य है, ये गीता में बताया गया है। तो सत्य की परिभाषा क्या है, जो हमें दिख रहा है वो नाशवंत है, मतलब वो ख़त्म होने वाला है। तो रियल में हम इस शरीर के अंदर, हमारी आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ये इस जीवन में मैंने बहुत कुछ किया है ना, बहुत सारे इन्वेंशन की, लेकिन ये शरीर को चलाने वाली क्या एनर्जी है मैं अभी तक नहीं समझ पाया, तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा और नए जन्म में साधु संत बन के मुझे ये अपने आप को जानना पड़ेगा। तो जो ये ज्ञान है, नॉलेज ऑफ इन्फाइनाइट का है ना, वो ये नॉलेज है जो अपने आप की, तुम्हारी आइडेंटिटी बताता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, और इस दुनिया को हम कैसे बदल के जा सकते हैं, और वापस हमें जीवन मृत्यु के चक्र में ना आना हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये विश्व क्यों बना, कैसे बना, उसका पूरा रहस्य, कि पहले हम कौन थे, हम निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी हम कैसे बने, और इस धरती के ऊपर ये समय क्यों बदलता रहता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, और हम अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम अपने अंदर ला सकते हैं। तो बदलाव हमारे अंदर पॉसिबल है, हम जब चाहे तब बदलाव ला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप का ज्ञान चाहिए और सबसे पहले हमें उस परमात्मा का ज्ञान चाहिए जिसने हमें बनाया, हमें शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को बनाया। तो कितना समय हुआ हमारी आत्मा के जन्म हुआ, हमारा शरीर का जन्म हुआ तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन हमारा आत्मा का जन्म हुआ वो कोई नहीं जानता। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस धरती पे 198 करोड़ साल से मनुष्य धरती पे है और अपनी रियल आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, है ना। तो अभी ये समय बदलने वाला है और बहुत जल्दी बदलने वाला है, तो ये बदलते समय के अंदर हम अपने आप को कैसे जाने माने पहचाने और इसके ऊपर उठ के कैसे नए कर्म करें, ऐसे कौन से कर्म करें जिससे हम इस धरती लोक से ऊपर और इन्फाइनाइट डायमेंशन से ऊपर, जो दूसरे इन्फाइनाइट यूनिवर्सिस है जहाँ पे वो इमोर्टल है, जो अमर है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जीवन मृत्यु होता है लेकिन वो इमोर्टल है, वहाँ अनंत है, वहाँ पे अमर तत्व है, तो वहाँ पे मृत्यु नहीं होता है। तो एक बार जाने के बाद आत्मा वहाँ से वापस नहीं आती, तो यही ज्ञान है, नॉलेज ऑफ इन्फाइनाइट है ना। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए सर्च करिए परम शांति .org और यूट्यूब में बापूजी जसवंत भाई पटेल परम शांति।